दंगल छिचोरे और बवाल जैसी फिल्में बना चुके नितेश तिवारी इन दिनों अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस पौराणिक फिल्म में रणबीर कपूर राम का किरदार निभा रहे हैं, वहीं साई पल्लवी सीता बनी है। बीते दिनों रामायण के सेट से राम और सीता के रूप में रणबीर और साई की कुछ तस्वीरें भी लीक हुई थी, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। दोनों को राम और सीता के किरदार में देख फैंस काफी खुश हुए। अब इस फिल्म में एक और अभिनेता यानी एक और एक्टर की एंट्री हो गई है, जिसे उन्होंने खुद कंफर्म किया है। जी हाँ, नितेश तिवारी निर्देशित रामायण में जिस अभिनेता की एंट्री हुई है वो है अजिंक्य देवल। जी हाँ, 61 साल के अभिनेता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणबीर कपूर के साथ एक पिक्चर शेयर की और फिल्म में हिस्सा बनने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। सेल्फी में अजिंक्य रणबीर के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तस्वीर में रणबीर ब्लैक टी शर्ट के साथ डार्क ब्लू और ब्लैक चेक शर्ट पहने हैं और कैप लगाई है। वहीं अजिंक्य ब्लैक स्वेट शर्ट में दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अजिंक्य ने बताया कि रणबीर की फिल्म का हिस्सा है, लेकिन उनका उसमें क्या रोल है अभी इस पर कोई डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की। कुल मिलाकर ये फिल्म जल्द ही आप लोगों के सामने पेश होगी और फैंस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही बता दें कि अजिंक्य अजय देवगन के साथ तन्हाजी, संसार, फूल और अंगार, छोटा सा घर और गैर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।